Bacon, as a father of modern English literature and his prose style in different essays. मुझसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था लास्ट वीक के मैम ये एसेस क्या सॉरी प्रोज क्या होती है. ठीक है, अब बेसिकली हम अपने न्यू जिसे कहना चाहिए असल में प्रोज अब स्टार्ट हो रही है. हमने गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ा, वो एक बिल्कुल एक कहानी थी फोर वोएजेस की. यहाँ पे अब हम एसेस पढ़ने जा रहे हैं और अब आपकी नेक्स्ट जो थ्री बुक्स होंगी वो एसेज ही होंगे. वो उसके अंदर जो है आपको कोई स्टोरी नजर नहीं आएगी. ठीक है, आगे चलते हैं. डेफिनेशन ऑफ प्रोज, प्रोज होती क्या है. ठीक है, द वर्ड प्रोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोरस प्रोसेस व्हिच मींस डायरेक्ट और स्ट्रेट एंड आल्सो सिग्निफाइज द प्लेन स्पीच ऑफ मैनकाइंड. इट इज रिटन विदाउट एनी रेफरेंस टू द रूल्स ऑफ वर्ड्स. ठीक है, ये जो वर्ड प्रोज है ये ड्राइव है ड्राइव होता है फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोरस से. ठीक है, इसको लिया गया है लैटिन वर्ड प्रोरस से जिसका मतलब है डायरेक्ट और स्ट्रेट और ऑल्सो ये सिग्निफाई करता है प्लेन स्पीच ऑफ मैनकाइंड. मतलब मेरे जो ख्यालात हैं उनको मैं आपको बयान करूंगी, यानी कि मेरे ख्यालात क्या है, मेरे जहन में क्या चीजें, मैं उनको आपको बयान करूंगी रादर देन के मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊंगी फिर आप उससे कोई मोरल लेसन लेंगे. दैट इज नॉट द प्रूफ. ठीक है, इट इज रिटन विदाउट एनी रेफरेंस टू रूल्स ऑफ वर्ड्स. इसको विदाउट एनी रेफरेंस टू रूल्स ऑफ वर्ड्स लिखा जाता है, इसके अंदर कोई पोएट्री नहीं होती. वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. द प्रोज जो है वो दैट इज एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. नेक्स्ट स्लाइड है बैकग्राउंड. बैकग्राउंड पे देख लेते हैं कि क्या है. द आर्ट प्रोज राइटिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द मिडल एजेस लॉस्ट इट्स ग्लोरी एंड ड्यूरिंग रेनेसेंस इट अगेन अचीव द हाईएस्ट पोजीशन. ये जो आर्ट ऑफ प्रोज राइटिंग डेवलपमेंट डेवलप हुई ड्यूरिंग द मिडल एजेस, इसकी वजह से जो इसकी ग्लोरी और इसकी जो इफेक्ट्स हैं या इसके आर्ट ऑफ प्रोज राइटिंग है इसकी ग्लोरी जो है एकदम से मतलब रेनेसां के साथ मतलब रेनेसां यानी कि जब दोबारा से रिन्यूअल हुआ नॉलेज का तो उसके साथ ही उसकी ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन ये अचीव कर गई थी, यानी कि इसको बहुत ज्यादा जो है तरक्की हुई. बेकन इज द वन ऑफ चैंपियन ऑफ रेनेसां. बेकन जो है वो इसी रेनेसां का चैंपियन था. द ग्रेट डिफेक्ट फाउंड इन इंग्लिश प्रोज वॉज prolixity and diffuseness. Bacon put an end to this. ठीक है, पहला जो सबसे ज्यादा जो डिफेक्ट था जो इंग्लिश के अंदर पाया गया जो उसकी प्रोज में था वो उसकी prolixity थी और उसकी diffuseness थी. यानी कि पहले जो प्रोज राइटिंग होती थी वो बहुत डिटेल्ड लिखी हुई होती थी. ठीक है, उसमें बड़े मुश्किल वर्ड्स लिखे हुए होते थे और वो diffuseness उसके अंदर बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से लोग जो है प्रोज से थोड़ा दूर भागने लग गए थे. एक स्टोरी को तो आप बड़े शौक से पढ़ लेते हैं लेकिन अगर कोई ऐसे आपको पढ़ना पड़ जाए तो आप थोड़ी सी बोर होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, बेकन पुट एन एंड टू दिस. ही अवॉइड सच अ प्रोज स्टाइल व्हिच प्रूव दैट इंग्लिश कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. उसने इस स्टाइल में प्रोज लिखी कि लगता है ऐसे कि इंग्लिश को एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो यूज किया जा सकता है. ड्यू टू दिस ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज. इस वजह से उसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है. प्रोज स्टाइल उसका देख लेते हैं. बेकन प्रोज स्टाइल इज वेरी डिस्टिंक्टिव एंड एफोरिस्टिक. उसका ये जो स्टाइल था वो बहुत डिस्टिंक्टिव और एफोरिस्टिक था. This is the main reason of his utmost respect and admiration in both literary and non-literary circles. ये उसकी main reason थी उसकी utmost respect की और उसकी admiration की जो कि उसने both literary और non-literary circles में की थी. ठीक है, इसको बहुत ज्यादा जो है ये एकदम से ये famous हो गया था आपने इन essays की वजह से. सेलियंट फीचर ऑफ हिज स्टाइल. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके सेलियंट फीचर्स क्या थे. ठीक है, सबसे पहले तो उसका एफोरिस्टिक स्टाइल था. बेकन स्टाइल इज द मोस्ट रिमार्केबल फॉर इट्स टर्सनेस एंड कंडेंसेशन.
टर्सनेस यानी कि डायरेक्ट एक्सप्रेस करता था, लॉन्ग सेंटेंसेस में बात नहीं करता था, कंसाइज वे में बात करता था, और उसकी कंडेंसेशन जो है, कंडेंस यानी कि उसके अल्फाज की जो का जो वजन था वो बहुत ज्यादा था, और टर्सनेस यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता था, कंसाइज बात करता था और बहुत लंबी बात नहीं करता था, यानी कि दरिया को कूजे में बंद कर देना उसको हम कहेंगे कि जी टर्सनेस। Although his sentences are brief, but they are extremely forceful. Brief तो थे लेकिन forceful भी थी थे. He knows the art of making huge statements into abridged form, which appears to be very captivating and enchanting for readers. The essays of Bacon have to be read very slowly because of the compact and condensed thought. His essays are the true model of aphorism. उसके ये जो essays थे true model of aphorism. एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम आगे जब हम इसके एसेज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन शॉर्ट जो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन आपको बेकन एसेज का देना था कि इन एसेज में बेसिकली है क्या। अब उसका जो एफोरिस्टिक स्टाइल था वो कुछ ऐसे था, यहाँ पे देखिएगा, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये उसने डिफरेंट एसेज लिखे थे like of studies, of death, of great palace, of great place, ठीक है, इस तरह के उसने, इसी तरह parent और children के ऊपर उसने essays लिखे थे, different topics के ऊपर जो उसने अपने इर्द गिर्द देखा उस पर उसने essays लिखे थे। वही essays हमारे इस course में है, इस वजह से इस book को Bacon essays कहते हैं, और आपके कुछ selected essays हैं जिसके अंदर से critical appreciations आती हैं उन essays की। अब यहाँ पे देखें कि कितना कंसाइज उसने एक ही लाइन के अंदर क्या बात कर दी कि स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। वो आप एक कोट पढ़ते हैं, नॉलेज इज पावर, पढ़ते हैं, वो बेकन की है, ठीक है, आप पढ़ते हैं ना नॉलेज इज पावर, तो वो बेकन ने ही लिखी थी कि नॉलेज जो इल्म है वो ताकत है। तो यहाँ पे उसने कहा कि स्टडीज जो है वो सर्व करती है, सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। वो आपको डिलाइट भी सर्व करती है, वो आपको ऑर्नामेंट यानी कि इंसान जब स्टडी करता है तो ऑलरेडी उसकी पर्सनैलिटी में खूबसूरती पैदा होती है, एंड फॉर एबिलिटी, और क्या चीज वो आपके अंदर काबिलियत लेके आती है स्टडी। दिस स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी वेरी कंडेंस एंड कंसाइज, देखने में ये बहुत कंडेंस और कंसाइज है, छोटी सी कोट है, लेकिन आप देखिए उसने दरिया को कूजे में बंद कर, ठीक है, छोटी बात करेगा लेकिन उसके मीनिंग्स बहुत ज्यादा होंगे, और दैट इज द बेस्ट वे कि आप किस तरीके से किसी को नसीहत करते हैं। नसीहत में हमेशा बात छोटी, अमल ज्यादा, ठीक है, जितनी आप कंडेंस वे में बात करेंगे, जितनी आप जो है कंसाइज वे में बात करेंगे, नसीहत उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। आप जितनी लंबी बात करेंगे ना, एक तो वक्त जाया होगा, दूसरी बात ये कि वो नसीहत असर नहीं करती। इसी तरह राइटिंग्स में भी ऐसे ही होता है, एसेज में भी ऐसे ही होता है, आपको हर वो कोट अट्रैक्ट करेगी जो छोटी होगी, और छोटी होगी और जिसके अंदर मीनिंग्स बहुत ज्यादा होंगे। सेम इज द केस आपको बेकन के अंदर ये चीजें मिलेंगी। वेरी इंटरेस्टिंग, इसके एसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका स्टाइल बहुत डिफरेंट है, आपको बाकी प्रोज राइटर से बेकन का स्टाइल बहुत डिफरेंट लगेगा, और वैसे भी ही इज द फादर ऑफ प्रोज राइटिंग, ठीक है। उसने एक रिमार्केबल चेंज, इनोवेशन की थी इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोज राइटिंग, ठीक है, इसकी प्रोज राइटिंग में और इससे पहले और इसके बाद के आने वालों की प्रोज राइटिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे अपने बाकी सिलेबस के साथ, देन यू विल फील के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकन एसेज एंड ब्रेकन प्रोज स्टाइल एंड द रिमेनिंग prose writers, ठीक है, तो इसके अंदर आप बोर नहीं होंगे। But thought is carried. अब यहाँ पे this statement appears to be very condensed and concise, but the thought is it carries is quite deep. It represents that study is an activity which brings joy and happiness and enhances our thinking, writing, reading and speaking abilities. It also adds charm to our personality. Study is the most finest way of gaining wisdom. ठीक है, इतनी सी बात में उसने हमें कितनी सारी बातें कर दी कि वो रिप्रेजेंट करती है स्टडी एक एक्टिविटी को जो हमारी जिंदगी में जॉय लेके आती है, हैप्पीनेस लेके आती है, हमारी थिंकिंग को एनहांस करती है, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटीज एनहांस करती है, इसी तरह
वो हमारी पर्सनालिटी के अंदर एक चार्म लेके आती है, हमारी पर्सनालिटी को वो ऑर्नामेंटेट करती है, हमारी पर्सनालिटी खूबसूरत हो जाती है जस्ट एक स्टडी करने से. स्टडी इज द मोस्ट फाइनेस्ट वे ऑफ गेनिंग विजडम, ठीक है, और स्टडी जो है ये मोस्ट फाइनेस्ट वे है ऑफ गेनिंग विजडम. फिर वो कहता है कि रीडिंग मेकेथ अ फुल मैन, कन्फरेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. वो कहता है रीडिंग जो है वो एक इंसान को फुल मैन बनाती है, कंप्लीट इंसान बनता है. कॉन्फिडेंस आर रेडी मैन, बात करने से आप एक रेडी, कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं, बात करना, डिस्कशन करना, ठीक है, डिस्कशन से इंसान एक रेडी मैन बन जाता है, और राइटिंग से वो एक एग्जैक्ट मैन बनता है. आपकी राइटिंग जो है वो आपको एक एग्जैक्ट इंसान बनाती है, क्योंकि जो आप एब्जॉर्ब करते हैं जब आप वो लिखते हैं, देन यू आर द एग्जैक्ट मैन. ठीक है, इट मीन्स दैट रीडिंग एड्स परफेक्शन टू मैन्स पर्सनैलिटी. Discussing without others about the content of book imparts special practical skills to the reader. Writing removes all the residual weakness from the reader's personality. और writing जो है वो residual weakness जो है readers की personality में से खत्म कर देती है. Number third है यहाँ पे, उसी की aphoristic style में लिखा हुआ, जो उसने बहुत concise style में लिखी थी, बात की थी. Men fear death as children fear to go in the dark. इंसान मौत से ऐसे ही डरता है जैसे बच्चा अंधेरे में जाने से डरता है. And as that of natural fear is increased with tears, so is the other. और जैसे natural fear जो है बच्चों के अंदर जो है वो increase होता है with tears, so is the other. और इसी तरह बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है, यानी कि जितना हम death के बारे में जानते रहते हैं उतना ही हमारे अंदर death का जो खौफ है वो पढ़ता जाता है. अच्छा, यहाँ पे लिखा है एंटीथेटिकल स्टेटमेंट. जब आप प्रोज पढ़ेंगे ना, प्रोज के अंदर आपको दोनों चीजें मिलेंगी, थीसिस मिलेगा, देन उसका एंटीथीसिस मिलेगा. ठीक है, एक तरफ वो उस चीज को कहेगा नहीं ये चीज ठीक है, दूसरी तरफ वो उसका आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखा देगा, उसका एंटीथीसिस भी दिखा देगा. ठीक है, पहले वो डिस्कशन करेगा, फिर वो कंक्लूड भी करेगा. ठीक है, टू मेक अ बैलेंस के इन अ प्रोज या इन एन ऐसे वो थीसिस और एंटीथीसिस दोनों को लेके चलेगा. और ये प्रोज राइटिंग का एक हिस्सा होता है कि जो राइटर होता है वो थीसिस एंड एंटीथीसिस दोनों को साथ साथ लेके चलता है. और डिफरेंट राइटर्स के कमेंट्स या कोट्स लेते हैं और फिर उसको या तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसको वो रिफ्यूट कर देते हैं या उसको निगेट कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से थीसिस एंड एंटीथीसिस इसको हम कहेंगे कि वो एक बैलेंस लेके एक लाइक आप ऐसे लिखते हैं जब आप ऐसे राइटिंग करते थे पहले बीए तक तो सबने ही ऐसे राइटिंग की होगी, वहां पे आपको अंदाजा हुआ होगा कि जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो आपको एक बैलेंस पोजिशन के अंदर लिखना होता है. आप कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर आप उसका थीसिस देते हैं, देन आप एंटीथीसिस देते हैं, देन फाइनली आप कंक्लूड करते हैं. दैट इज द पार्ट ऑफ एन एसे, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोज, कि आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर लिखने जा रहे हैं तो आपने उसको एक बैलेंस पोजिशन में लिखना. यहाँ पे वो एंटीथेटिकल स्टेटमेंट्स में हम देखते हैं कि बेकन की एंटीथेटिकल स्टेटमेंट्स क्या थी. द फोर्स ऑफ एफोरिस्टिक स्टेटमेंट डिपेंड्स अपॉन द अदर स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस व्हिच सप्लीमेंट देम. सच डिवाइसेस आर द बैलेंस एंड एंटीथेसिस व्हिच मार्क द मोस्ट ऑफ हिज सेंटेंस स्ट्रक्चर. इन एसेज ऑफ स्टडीज देयर इज अ यूज ऑफ थ्री फोल्ड बैलेंस. ठीक है, एसेज ऑफ स्टडी में थ्री फोल्ड बैलेंस था. स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, एंड फॉर एबिलिटी. थ्री फोल्ड बैलेंस आ गया, तीन चीजों को लेके वो बैलेंस कर रहा है, किसको, अपनी स्टेटमेंट को. फिर वो कहता है क्राफ्टी मैन कंडेंस स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम, एंड वाइज मैन यूज देम. अगेन थ्री पॉइंट्स आ गए, क्राफ्टी मैन के बारे में कंडेम स्टडीज, फिर सिंपल मैन के बारे में उसने बोला कि एडमायर करते हैं स्टडी को, और वाइज मैन जो है वो स्टडीज को यूज करते हैं. ठीक है, तो अगेन थ्री फोर्स मीनिंग आ गया, तीन एस्पेक्ट्स को वो एक ही सेंटेंस में साथ साथ लेके चल रहा है. इसी तरह सम बुक आर टू बी टेस्टेड, अब बुक्स के बारे में भी वो थ्री फोर मीनिंग्स यूज करेगा. अदर्स टू बी स्वेलोड, एंड सम आर फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड. कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ टेस्ट ही किया जाता है, कुछ जो होती है जो हजम भी हो जाती है, और कुछ ऐसी होती है जिनको सिर्फ क्यों किया जाता है और डाइजेस्ट किया जाता है. यानी कि डिफरेंट बुक्स होती हैं, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. हर किताब जो है लाइक अब आप डिफरेंट
आपके कोर्स में कितनी सारी किताबें हैं, कुछ चीजें होंगी, कुछ बुक्स होंगी जो आप खाली टेस्ट ही कर सकते हैं, यानी कि उनका कुछ मिजाज इस मिजाज में लिखी हुई होती है कि आप उसको टेस्ट करते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो आप स्वेलो कर जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसको आप च्यू भी करते हैं, डाइजेस्ट भी करते हैं, और वो आपकी पर्सनैलिटी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी कि आप उसको कितना मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कुछ तो आपकी पर्सनैलिटी होती है, कुछ बाकी किताबें ऐसी होती हैं कि बहुत कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं, तो आप एक खुश्क सब्जेक्ट को और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके देख लें तो आपको इस स्टेटमेंट की बात समझ आ जाएगी, आपको इसका मेन पॉइंट समझ आ जाएगा। फिर वो कहता है कि आ रिटोरिशियन, ठीक है, बेकन इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट रिटोरिशियन, ही हैज अ ग्रेट पावर ऑफ अट्रैक्टिंग एंड पर्सुएडिंग हिज रीडर, हिज एसेज आर फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज पर्सुएशन। रिटोरिक कहते हैं थ्रू क्वेश्चंस किसी चीज को बार बार रिपीट करना, रिपीटेशन। इन हम अगर हम पोएट्री की बात करें तो वहां पे तो हम कहेंगे कि जी ये रिटोरिक क्वेश्चन है, यानी कि उसकी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक होता है रिटोरिशियन, यानी कि एम्फेसिस करना, किसी चीज को परसुएड करना, किसी चीज पे जोर देना, उसको फिर हम कहते हैं कि ये रिटोरिक स्टाइल है उसका। अब देखते हैं कि वो किस तरह का रिटोरिशियन था। अ मैन दैट स्टडीज रिवेंज, स्टडी को ओल्ड इंग्लिश में स्टडीज पढ़ते थे, ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलता कहता है अ मैन दैट स्टडीज रिवेंज कीप हिज वाउंड स्क्रीन, एक इंसान जो हर वक्त बदले को याद रखता है या बदले की आग में जलता रहता है, वो हमेशा अपने जख्मों को हरा रखता है। दिस एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम ऑफ रिवेंज। देखिए बेटा, इसकी एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगी। हमारे साथ कोई बुरा करता है, माजी में हमारे साथ कोई ऐसा हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया जो हमें नहीं भूलता, ठीक है, तो क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक एबिलिटी रखी है, एक एबिलिटी क्या, इंसान जो है क्योंकि उसको हर चीज भूलना शुरू हो जाती है वक्त के साथ साथ। होता क्या है कि जब वो आप जो आपके साथ बुरा हुआ होता है कभी माजी में, जब आप उसको बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वो आपके बाउंस ग्रीन कर देता है, ठीक है। लाइक एक जख्म है ना, वो जब खुश्क होने लगता है तो उसमें खारिश होती है, खारिश होती है तो आप उसको छीलने की कोशिश करते हैं, या तो आप उसके ऊपर मरहम लगाएंगे या आप उसको जल्दबाजी में छील देंगे। तो छीलने से क्या होता है, आपका वो जो बाउंड होगा, आपका वो जो जख्म होगा, वो दोबारा से हरा हो जाएगा, बाउंड ग्रीन हो जाएगा। इट मींस कि जब हम माजी की चीजों को इस तरह से याद करते हैं और हम सोचते हैं कि हमने फलाने बंदे से बदला लेना है, तो उसकी वजह से हमारे ये जो जख्म है ये हरे हो जाते हैं। तो ऑफ रिवेंज के अंदर वो ये बात करता है कि अगर इंसान जो है वो दरगुजर का मामला करे, वो माफ कर दे, वो पेशेंस का मामला करे और बात को भुलाने की कोशिश करे, तो वो एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। देखिए एक छोटी सी लाइन के अंदर उसने कितनी बड़ी बात कर दी कि किस तरीके से हम अपने बाउंड ग्रीन रहते हैं। बहुत सारी चीजें हमारी माजी का पार्ट बन जाती हैं, लेकिन हम उनको बार बार याद करके अपना आज भी खराब करते हैं। हम इंसानों के अंदर सबसे बड़ी बुराई है ना, वो ये है कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते, या हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं, ठीक है, या हम पास्ट के गम को याद कर करके अपने वाउंड्स ग्रीन कर लेते हैं, या हम फ्यूचर की टेंशन में रह के अपना आज बर्बाद कर देते हैं कि कल क्या होगा, ठीक है। तो इसी डर और इसी खौफ के अंदर रह के और इसी गम की कंडीशन में रह के हम अपना आज जो है वो तबाह करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जब आज खूबसूरत नहीं होता तो कल भी खूबसूरत नहीं हो सकता, ठीक है, अगर आज खूबसूरत है तो इंशाल्लाह कल भी खूबसूरत होगा। तो इस तरीके से हम अपने बॉन्ड्स ग्रीन रखते हैं। अब देखते हैं कि उसकी इमेजरी और उसकी एनालॉजी और उसकी इमेजरी थ्रू इमेजेस वो किस तरीके से अपने पॉइंट्स आपको बताएगा, या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरीके से आपको क्लियर करेगा। The extensive use of metaphors, images, similes, analogies add access to Bacon's essays. According to Bacon, these devices are important for persuasion.
He draws his imagery from nature and everyday life, while he draws his analogies from classical mythology, Bible, astronomy, and philosophy. Different devices, different nature say, everyday life say, or wo kuch analogies lega, classical mythology say, Bible say, astronomy say, philosophy say. Kyunki he was a Renaissance man. ठीक है जब रेनेसा हुआ तो रिन्यूअल ऑफ नॉलेज स्टार्ट हुआ लस्ट फॉर नॉलेज लस्ट फॉर पावर लस्ट फॉर डिस्कवरी और फिर एक और चीज भी लस्ट फॉर नॉलेज यानी कि नए नए इल्म के पीछे इंसान जो है उसकी तलाश में लग गया यूज ऑफ एनोलॉजी में देख लेते हैं वो किस तरह की एनोलॉजी यूज करेगा क्लियर एंड राउंड क्रिएटिंग इज द ऑनर ऑफ मेंस नेचर And that mixture of falsehood is like alloy in coin of gold and silver, which may make the mental work better, but it embezzled it. ठीक है अब वो यहाँ पे वो कहता है clear और round creating, साफ सुथरी creating creation जो है with the full faithful या आप इसे कहेंगे कि इसको हम क्या कहेंगे कि जैसे ईमानदारी के साथ जो एक इंसान साफ सुथराई के साथ काम करता है तो ये उस चीज की बात कर रहा है कि ये ऑनर ऑफ मैन्स नेचर है और दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइक अलॉय इन द कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ये जो फॉल्सहुड है ये जो झूठ है ये जो दो नंबरी जिसे हम कहेंगे वो है वो क्या है कि वो बिल्कुल इस तरह है जैसे अलॉय एक कॉइन ऑफ गोल्ड और सिल्वर में एड होता है जिसकी वजह से मेंटल वर्क तो बेटर होता है लेकिन बट इट एम्बेसड इट लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाती है इन दिस एसे ऑफ ट्रूथ बेकन कम्युनिकेट्स द आइडिया ऑफ मैन नेचुरल लव ऑफ लाई एंड प्रोननेस टू मेक्स फॉल्सहुड विद द ट्रूथ एसे ऑफ ट्रूथ के अंदर वो आपको बताएगा इंसान के नेचुरल लव ऑफ लाई कि इंसान थोड़ा बहुत झूठ से मोहब्बत करता है और उसको मिक्स कर देता है फॉल्सहुड विद ट्रूथ के साथ ठीक है फॉल्सहुड को थोड़े से झूठ में सॉरी थोड़े से सच में थोड़ा सा वो झूठ बोलता है यानी कि इंसान जो है वो थोड़ा बहुत झूठ बोलता है ऐसा नहीं हो सकता कि हर इंसान कहे कि नहीं मैं तो इवन दैट जो एग्जिजरेट हम कर देते हैं ना वो भी एक झूठ का ही पार्ट होता है एग्जिजरेटेड फॉर्म भी दैट इज द मिक्सचर ऑफ लाई एंड द ट्रूथ उसकी वजह से क्या होता है जब हमें एक बात को एग्जेजरेट कर देते हैं तो फिर उस बात का वजन भी ज्यादा हो जाता है He compares the falsehood to an alloy in the coil of gold or silver. और वो कंपेयर करता है falsehood को एक alloy से कंपेयर करता है अब ये imagery देखे ना वो किस किस तरह की images यूज कर रहा है ना वो falsehood को कंपेयर करेगा झूठ को कंपेयर करेगा alloy के साथ in the coin of gold or silver. The alloy makes the metal work better. वो जो खोट होता है ना जो हम सोने में या सिल्वर में एड करते हैं उसकी वजह से क्या होता है वो जो मेटल होता है जो गोल्ड होता है या जो सिल्वर होता है या उसके जो सिक्के होते हैं अगर उसके अंदर देखिये सिल्वर और गोल्ड के अंदर अगर आप अलॉय एड नहीं करेंगे ना जिसको हम खोट कहते हैं तो वो जो है उसकी वो उतना मजबूत नहीं बनता ठीक है सिक्के के अंदर जब तक आप खोट नहीं सॉरी सिल्वर या गोल्ड के अंदर जब तक आप खोट नहीं मिक्स करते लाइक अगर गोल्ड की इवन ज्वेलरी भी बनती है तो उसमें थोड़ा सा खोट मिक्स करना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए जो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी होती है ना वो बहुत जल्दी टूट जाती है ठीक है लेकिन क्या होता है वो मेटल तो सही तरीके से वर्क करता है यानी कि जो कॉइन्स आपको मिलते हैं सोने के या सिल्वर के वो फुल या प्योरली सिल्वर या गोल्ड नहीं होते बल्कि वो क्या होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा अलॉय मिक्स हुआ होता है क्यों क्योंकि अगर अलॉय मिक्स नहीं करेंगे तो वो जो है कॉइन की शेप इख्तियार नहीं करेगा लेकिन उसकी वजह से क्या होता है उसकी वैल्यू ऑफ मेटल जो है ना वो लोअर हो जाती है यानी कि खालिस सोने की जितनी कीमत होगी वो एक जो है ऐसे उसकी नहीं होगी जिसके अंदर जो है अलॉय जो है वो मिक्स हुआ हो इसी तरह वो यूज ऑफ मेटाफर करता है अपने एसेस के अंदर फॉर अ क्राउड इज नॉट कंपनी एंड फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर वो कहता है कि क्राउड जो है वो कंपनी नहीं होता और फेसेस जो है फेसेस आर बट गैलरी ऑफ पिक्चर्स फेसेस जो है वो बस ऐसे हैं जैसे गैलरी ऑफ पिक्चर है
एंड टॉक बट आर थिंकिंग सिंबल, और जो बात है या जो हम बयान करते हैं बात को, वो जस्ट एक थिंकिंग सिंबल है, वेयर देयर इज नो लव, जहां पे कोई मोहब्बत ना हो. जहां पे मोहब्बत ना हो वहां पे क्राउड जो होता है वो कंपनी नहीं होता, यानी कि आप एक क्राउड में होते हैं, आप कंपनी में नहीं होते. जैसे मैं एक बात कहती हूँ कि अब दुनिया में इंटेलेक्चुअल्स की ज्यादती हो गई है और हमदर्दों की कमी हो गई है, मोहब्बत की कमी हो गई है और इंटेलेक्ट ज्यादा हो गया. जैसे हमने हॉलम्स की दुनिया पढ़ी थी ना, कि उसके अंदर लव तो नहीं था लेकिन वो इंटेलेक्ट जरूर थे. तो वो यहाँ पे था कि फॉर क्राउड इज नॉट कंपनी, कि क्राउड जो है वो कंपनी, एक जो कंपनी है वो सिर्फ एक क्राउड तक ही महदूद होगी अगर वहां पे मोहब्बत ना हो, ठीक है, सिंपथीज ना हो. इसी तरह फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर, और जो फेसेस हैं वो सिर्फ एक गैलरी ऑफ पिक्चर्स ही होंगे अगर वहां पे मोहब्बत नहीं होगी. और टॉक बट अ थिंकिंग सिंबल वेयर देयर इज नो ट्रूथ, और जो बात होगी वो जस्ट एक सिंबल ही होगी जब वहां पे कोई मोहब्बत ना हो. आज के जमाने में कुछ इसी तरह की मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गई है ना, इंटेलेक्चुअल्स की तरह भरमार हो गई है और नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो लोग नॉलेज के पीछे ज्यादा भागते हैं और जो है इमोशंस और लव और इन चीजों की अब हमारी जिंदगियों में अहमियत कम से कम होती जा रही है. ठीक है, एक पैसे की दौड़ लग गई है, एक स्टेटस की दौड़ लग गई है, तो उसके पीछे फिर ये आपको सारी स्टेटमेंट नजर आ रही होगी, आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या. फिर वो आगे कहता है, सर्टेनिटी, इट इज हेवन अपॉन अर्थ टू हैव मेंस माइंड मूव इन चैरिटी रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल ऑफ ट्रुथ. अब यहाँ पे देखिए, पीछे हमने थीम पढ़ी थी थ्री फोल्ड मीनिंग्स की, देखिए थ्री फोल्ड मीनिंग्स आ रही है इसके अंदर. वो कहते हैं सर्टेनिटी इट इज हेवन अपॉन अर्थ, कि अगर आपके सर्टेनली इट इज हेवन अपॉन अर्थ टू हैव मेंस माइंड मूव इन चैरिटी, एक इंसान का अगर जहन जो है वो चैरिटी की तरफ अगर लग जाए, रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल ऑफ द ट्रूथ, बाकी उसका प्रोविडेंस पे लग जाए और टर्न अपॉन द पोल ऑफ ट्रूथ, और अगर उसका जहन जो है वो टर्न अपॉन द पोल ऑफ ट्रूथ हो जाए, यानी कि तो वो ये उसके लिए हेवन अपॉन द अर्थ होगा. यानी कि ये तीनों चीजें इंसान के अंदर एक सुकून पैदा करेंगी अगर आप ये करना शुरू हो जाए. दीज आर एग्जाम्पल, दीज एग्जाम्पल्स आर टेकन फ्रॉम एन एसे ऑफ ट्रूथ, ये उसके एसे ऑफ ट्रूथ से ली गई. फिफ्थ उसकी जो थीम है दैट इज, या उसका प्रो स्टाइल था, वो है एल्यूजन एंड कोटेशंस. एल्यूजन्स और कोटेशंस वो यूज करता है अपने एसेज के अंदर. फिर वो कहते हैं हिस्ट्री बेयर्स द टेस्टिमनी दैट बेकन ड्रॉज मेनी एल्यूजन्स एंड कोटेशंस फ्रॉम क्लासिकल फेबल्स, बाइबल, हिस्ट्री, द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स एंड आल्सो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स. दिस सर्व टू मेक हिज स्टाइल मोर स्कॉलरली. ठीक है, वो डिफरेंट एल्यूजन्स और कोटेशंस यूज करता है फ्रॉम क्लासिकल फेबल्स, बाइबल, हिस्ट्री, एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स से डिफरेंट कोटेशंस वो आपको जो है वो, या प्रोवर्ब्स जो है वो आपको इसके एसेस के अंदर नजर आएंगे. एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर क्या है. इन हिज एसे ऑफ ट्रूथ ही ड्रॉज एल्यूजन्स एंड कोटेशंस फ्रॉम लुशियन, लुक्रेटियस एंड मोंटेन. ठीक है, वो ट्रूथ के अंदर एसे ऑफ ट्रूथ में आपको उसकी डिफरेंट कोटेशंस नजर आएंगी जो वो लुशियन, लुक्रेटियस और मोंटेन से लेगा, ये राइटर्स थे. फिर है सिमेट्रिकल सिंटैक्स. अकॉर्डिंग टू बी विकर, सिंटैक्टिक सिमेट्री इज एन अदर क्वालिटी ऑफ बेकन स्टाइल. सिमेट्री कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपने सेंटेंस को, या सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, मैं आपको कहती हूँ अपने जरा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जरा गौर किया करें, वो एक सिमेट्रिकल पोजिशन में होना चाहिए. ये सिमेट्री जो है वो जो है बेकन के स्टाइल की एक और जो है एक और क्वालिटी थी. सिंटेक्स रेफर्स टू ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और ये सिंटेक्स जो है ये क्या है, ये आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है. एग्जाम्पल है, द गुड थिंग्स विच बिलोंग्स टू प्रोस्पेरिटी आर टू बी विश्ड, बट गुड थिंग्स विच बिलोंग टू एडवर्सिटी आर टू बी एडमायर्ड. वो कहते हैं वो अच्छी चीजें जो बिलोंग करती हैं खुशहाली से, वो सिर्फ विश ही की जा सकती हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो बिलोंग करती है एडवर्सिटी,
से वो उनको एडमायर किया जा सकता है. दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ऑफ एडवर्सिटी एंड थ्रू दीज लाइन्स वी कैन इजिली जज द सिंटैक्टिकल स्टाइल. विट है, देर इज नो ह्यूमर इन वेकन एसेस बट देर इज एन एम्पल ऑफ विट. ठीक है, उसके अंदर ह्यूमर तो नहीं था लेकिन आपको विट, जहानत, अकलमंदी, तानाई, हिकमत, वो बहुत सारी चीजें बेकन एसेस में मिलेंगी. ही इज द मास्टर ऑफ स्किलफुल यूज ऑफ वर्ड्स. ठीक है, वो मास्टर था. हिकमत क्या होता है? सही वक्त पे सही बात करना. ठीक है, दरिया को कूजे में बंद करना, हिकमत वाली बात कर देना. ठीक है, हिकमत की डेफिनेशन यही होती है ना. तो वो इन मास्टर वो और विट बेसिकली आपकी मास्टरी ऑफ स्किल यूज ऑफ मास्टरी या मास्टरी ऑफ स्किलफुल वर्ड्स यूज ऑफ वर्ड्स को भी कहा जाता है कि आप स्किलफुल वर्ड्स को किस तरीके से सही वक्त पे इस्तेमाल करते हैं या आपकी स्किल है जो यूज ऑफ वर्ड्स उसमें आपकी मास्टरी होना उसको भी हम विट कहते हैं. एग्जाम्पल, थ्रू डिग्निटीज मैन राइजेस टू डिग्निटी. डिग्निटीज के जरिए ही इंसान डिग्निटी तक पहुंचता है. बाय पेन मैन कम्स टू ग्रेटर पेन. और पेन के जरिए इंसान ज्यादा पेन के अंदर मुब्तला हो जाता है अगर उस पेन को याद रखा जाए हमेशा ही. तो अगर उस पेन को भुला दिया जाए तो वो पेन पेन नहीं रहता, वो मुश्किल मुश्किल नहीं रहती. ठीक है, वो दुख दुख नहीं रहता जिसको बहुत जल्दी भुला दिया जाता है. फुल ऑफ विजडम. बेकन एसेज आर फुल ऑफ विजडम. हिज एवरी वर्ड इज लाइक अ पर्ल इन ओशन ऑफ नॉलेज. उसका हर वर्ड कैसे है? जैसे एक पर्ल इन द ओशन ऑफ नॉलेज है. उसके वर्ड जो एसेज है वो फुल ऑफ विजडम है. एग्जाम्पल है, रीडिंग मेकथ अ फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. इट इज टेकन फ्रॉम ऑफ स्टडी. ऑफ सिक्योरिटी, ये भी उसकी एक स्टाइल की एक क्वालिटी थी. समटाइम्स टू मच कॉन्डेंसेशन लीड्स टू ऑब्सक्योरिटी. ऑब्सक्योरिटी यानी कि कंफ्यूजन में. सीक्रेसी इन सूट्स इज अ ग्रेट मीन ऑफ ऑब्टेनिंग. इट इज टेकन फ्रॉम सूटर्स. ठीक है, ये आपको इसके अंदर ऑब्सक्योरिटी, डबल मीनिंग्स या कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपको नजर आएगी. इसके कंक्लूजन है, इन अ नटशेल इट कैन बी सेड दैट बेकन एफोरिस्टिक स्टाइल एड्स ग्रेट चार्म टू हिज वर्क. उसका ये जो एफोरिस्टिक स्टाइल है वो एक ग्रेट चार्म पैदा करता है उसके वर्क में. We can say that his intellect, wit and wisdom are being packed in minimum possible words. There is a note of spontaneity in his essays. We can't deny his position in English literature. Hum uski position English literature mein deny nahi kar sakte. Theek hai, ye uski aaj ka aapka lesson end ho gaya.